दिस इज वीडियो नंबर टू। स्टूडेंट्स, हमने अंडरलाइन टैग कर लिया, हमने बोल्ड टैग कर लिया, यस फोन टैग भी डिस्कस कर लिया। कौन कौन से टैग्स अप्लाई किए आपने? अंडरलाइन, यस यू फॉर अंडरलाइन, यस बी फॉर बोल्ड, फॉन्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फॉन्ट दैट इज यूज टू चेंज द साइज कलर। अब अगर आपको फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है तो यू कैन यूज अनदर एट्रीब्यूट कलर इक्वल्स टू रेड। ओके, अब सी द डिफरेंस, सॉरी आउटपुट देखेंगे हम इसकी, F5, यस कलर चेंज हो गया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टैग, दैट इज योर HR टैग। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ HR टैग? बेटा HR टैग इज यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट आई वांट टू डू, मुझे इस HTML के नीचे एक पूरी लाइन डिस्प्ले करनी है जो इस पूरे वेब पेज को कवर करे। ओके, सो आई वांट टू ड्रॉ अ लाइन, मुझे अंडरलाइन नहीं करना, आई वांट टू डिफरेंशिएट। ठीक है, मुझे ये जो हेडिंग है और रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट को इससे क्या करना है, अलग करना है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ। कैसे ड्रॉ करेंगे? फॉर दिस यूज HR टैग। हाउ टू यूज HR टैग? बेटा हेडिंग डालने के बाद यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ लाइन, जहां भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वहां सिंपल एक टैग लिख देंगे HR। ओके, HR लिखने के बाद नाउ सी द डिफरेंस, सेव दीज चेंजेस। ओके, नाउ रिफ्रेश इट, देखिए एक लाइन अपीयर हो गई दैट कवर्स 100% एरिया ऑफ द वेब पेज, पूरे का पूरा पेज कवर कर रही है आपके पास ही। यू वॉन्ट कि ये ना आपको बहुत एक बारीक सी लाइन नजर आ रही है, ठीक है, आई वॉन्ट कि ये जो लाइन डिस्प्ले हुई है आई वॉन्ट टू चेंज इट्स साइज। ठीक है बेटा, साइज चेंज करना है। साइज चेंज करने के लिए एट्रीब्यूट्स, अब HR के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स द स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट यू कैन अटैच टू द टैग। अब HR के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? द वेरी फर्स्ट वन एट्रीब्यूट इज साइज एट्रीब्यूट। ठीक है, आप इसे कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं सो दैट कि आपको इजी हो देखने में। HR द वेरी फर्स्ट वन टैग इज, मैंने टैग का नेम कैप्स लॉक में लिख दिया, बाकी स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ। द वेरी फर्स्ट वन एट्रीब्यूट इज साइज एट्रीब्यूट। हाँ जी, साइज दे सकते हैं आप इसका, आप इसका जितना भी साइज देंगे। सपोज मैंने इसका साइज दे दिया 50। ओके, जो साइज होता है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। ओके, पिक्सल्स के टर्म्स में आएगा ये। अब इसको सेव करते हैं हम कंट्रोल प्लस एस से, या फिर फाइल पर जाकर सेव की ऑप्शन से सेव करेंगे। एंड नाउ चेक द आउटपुट F5। बच्चे ये देखो 50 पिक्सल्स की लाइन हो गई, बट दिस इज अ ट्रांसपेरेंट लाइन, आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, आपको ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप इसमें कलर कर दीजिए। ओके, अगर आप इसमें कलर कर देंगे, एक और एट्रीब्यूट कलर एट्रीब्यूट लगा देंगे, तो ये लाइन आपको क्लियरली दिखाई देगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक और टैग एट्रीब्यूट यूज करेंगे HR टैग का, दैट इज कलर एट्रीब्यूट। ओके, कलर इक्वल्स टू रेड, आई वॉन्ट टू कलर। ओके, मैं कलर करना चाहती हूँ इस लाइन को, सेव किए चेंजेस F5। नाउ अब दिख रहा है आपको, यस अब ये जो लाइन आ गई दैट इज ऑफ 50 पिक्सल्स। आपको इतनी ब्रॉड लाइन नहीं चाहिए, तो यू कैन रिड्यूस इट साइज। मैंने इसको कर दिया 10 पिक्सल्स का। ओके, कंट्रोल एस F5। यस, इज इट क्लियर हाउ टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन? यस, कैसे करेंगे? द टैग यूज्ड इज HR। यस, HR इज एन एम्प्टी टैग, क्योंकि आप इसमें कोई लाइन के बीच में कोई टेक्स्ट नहीं लिख रहे, ठीक है, दैट्स व्हाई कोई टेक्स्ट इंक्लूज नहीं हो रहा, इट इज एन एम्प्टी टैग। HR नेक्स्ट एट्रीब्यूट इट्स इज साइज, इट इज यूज टू चेंज द साइज ऑफ द लाइन, हॉरिजॉन्टल रूल, जिसको आप हॉरिजॉन्टल रूल भी बोलते हो, कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, बेटा अब ये जो लाइन है वो पूरा स्क्रीन का एरिया कवर कर रही है, आई वॉन्ट टू रिड्यूस इट,
ठीक है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो विड्थ एट्रीब्यूट। ओके, अब विड्थ आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, पिक्सल्स में भी। अगर आप विड्थ देंगे इस तरह से 50%, देन इट विल कवर द 50% एरिया ऑफ द स्क्रीन। सी लाइन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी एंड इट कवर्स 50% ऑफ द स्क्रीन एरिया। बट एक और चीज देखी है आपने बेटा, जो लाइन आ रही है ना वो बाय डिफॉल्ट उसकी अलाइनमेंट क्या है, सेंटर। मींस लाइन अगर आपने छोटी की तो उसकी डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या आएगी, सेंटर। इफ यू वांट टू चेंज इट, मुझे ये सेंटर में नहीं चाहिए ये लाइन, मुझे ये लेफ्ट में चाहिए या फिर राइट में चाहिए, तो यू कैन चेंज इट विद अनदर एट्रीब्यूट नेम एज अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, मैंने क्या किया इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी। नाउ सी द डिफरेंस, यस इज इट क्लियर, यस इज इट क्लियर। यू कैन ऑल्सो गिव द अलाइन एज राइट, अगर आप इसको राइट करेंगे सेट तो ये क्या होगा 50% एरिया कवर करेगी एंड अपीयर्स एट द राइट ऑफ द स्क्रीन। स्टूडेंट्स इट्स क्लियर HR के कौन कौन से एट्रीब्यूट डिस्कस किए बेटा हमने, दैट इज साइज, दैट इज यूज टू चेंज द साइज, कलर, विड्थ। विड्थ बेटा आप परसेंटेज में भी दे सकते हो या फिर पिक्सल्स में भी देख सकते हो। अब अगर आप देखो पिक्सल्स में दोगे, अगर आपने दे दिया 50, सिंपल 50% नहीं, तो ये पिक्सल में आएगा। बट 50 पिक्सल्स बहुत छोटा सा एरिया कवर करते हैं आपकी स्क्रीन का। सी द डिफरेंस, आपको दिखाई भी नहीं देगी लाइट। This is 50 pixels. This covers your 50 pixels. और by default इसकी alignment क्या है, right? तो हम क्या देते हैं, rather than pixels हम इसे percentage में दे देते हैं। For example मैंने दे दिया 70%. Now see the difference. It covers 70% of the area and alignment क्या आ रही है इसकी, right? If you want to set change the alignment, I want अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं देन नो नीड टू गिव द अलाइन एट्रीब्यूट। और इफ यू वांट टू अपीयर कि आप चाहते हो कि लाइन लेफ्ट या राइट में आए तो यू हैव टू मेंशन द अलाइन एट्रीब्यूट। इज इट क्लियर। एक और एट्रीब्यूट है बेटा, अगर आप इसमें कलर एट्रीब्यूट नहीं देते, ओके नाउ एक ट्रांसपेरेंट लाइन अपीयर होती है, ठीक है, आई वॉन्ट टू शेड इट, ठीक है, आप इसमें अभी कोई शेड नहीं है, इफ यू वॉन्ट टू शेड इट यू कैन राइट एट्रीब्यूट नेम एज नो शेड। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती एट्रीब्यूट की, सिर्फ एट्रीब्यूट ही लिखना होता है। देन अ ग्रे इट आपको ये एक शेडेड लाइन दे देती। इज इट क्लियर। सो देर आर 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग। द वेरी फर्स्ट वन एट्रीब्यूट इज साइज, सेकेंड एट्रीब्यूट इज विड्थ, नेक्स्ट इज अलाइन एंड नेक्स्ट नो शेड एंड अनदर एट्रीब्यूट इज कलर एट्रीब्यूट। स्टूडेंट्स इट्स क्लियर वट इज द यूज ऑफ HR टैग। HR इज यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रूल। ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी हो तो यू कैन यूज HR टैग एंड इट इज एन एम्प्टी टैग एंड द एट्रीब्यूट्स एसोसिएट विद HR टैग्स आर अलाइन, साइज, विड्थ, कलर एंड नो शेड।